वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल उम्मीद है कि सब ठीक होंगे मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और यकीन सब की ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होंगी और ये है मेरी रात तो बच अपनी बेटी के लिए मैंने मेहंदी लगाई और जो थोड़ी बहुत मुझे आती थी वही मैंने लगाई और वैसे अच्छी लगाई थी मैंने थोड़ा सा गुजारा किया था अच्छा इधर है सुबह और सुबह के टाइम फिर मैंने अपने बच्चों के कपड़े इस्ते किए क्योंकि ये जाएंगे मस्जिद और बेटे और हस्बैंड जाएंगे मस्जिद तो उनके लिए कपड़े इस्ते किए वैसे इस तरह के काम मैं बहुत पहले से निपटा लेती हूँ दो तीन दिन पहले लेकिन इस दफा बस मेरा छोटा बेटा बीमार था तो बस बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला तो बस जल्दी जल्दी से सुबह मैंने जब तक वो उठेंगे तब तक मैंने जल्दी से इसको प्रेस किया ये मेरे हस्बैंड का सूट है तो तीनों का माशाल्लाह से सेम सेम है तो बस इनको दिया और ये मस्जिद चले गए इधर मैंने बनाया था शीर खोरमा तो बस ये भी मैंने टेबल पर रखा मैंने रेडी किया था वैसे सुबह के टाइम मेरे बच्चे और कोई भी इतना नहीं का वैसे भी रोज़े गुजर गए थे लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत का ताकि थोड़ी सी एनर्जी तो रहे और यह है मेरा सूट तो बस ये भी दो बजे का टाइम था मैंने सिर्फ पिक्चर ली थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का घर में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो बहुत क्रेंकी और बच्चे जब बीमार हो जाते तो माँ के साथ चिपके रहते अच्छा ये है मेरा ईद का सूट और मैंने आखिरकार चेंज कर लिया कोई तीन दो दो या तीन बजे का टाइम होगा ये है मेरे चिड़ियाँ जो मैंने टीमों से आर्डर किए थे वैसे इसके साथ मैचिंग तो नहीं हो रही लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है बस आ, मुझे अच्छी लग रही थी और यह था मेरा ईद का सूट जो मैंने पहना था अच्छा हम इधर निकल रहे थे बाहर मैंने कहा बाहर निकलते थोड़ा सा बच्चों का मूड चेंज हो जाएगा क्योंकि बच्चे भी इस तरह बोर बैठे थे तो मैंने कहा चलो अब इनका इस तरह ईद के दिन तो इस तरह नहीं छोड़ सकती तो मैंने कहा चलो बाहर जाएंगे उससे पहले हम जा रहे थे मैनचेस्टर तो मैंने उससे पहले बच्चों को शॉप लेकर आई ताकि ये कुछ स्नैक्स ले तो थोड़े से ये रास्ते में चुप बैठेंगे कुछ काते पे, काते पीते रहेंगे तो थोड़ी सी चुप ये होंगे इतना तंग नहीं करेंगे तो बस इनके लिए कुछ जूस और चिप्स क्रिस्प उठा ली इधर से मैंने उठा लिया दूध क्योंकि घर में दूध बिल्कुल ख़त्म था टाइम भी नहीं मिला था बस घर में कोई एक बीमार होना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और सब कुछ इधर उधर हो हुआ था तो बस इधर मैंने अपनी बोतल उठा ली वाटर वो, की कुछ दूध उठा लिया उठा लिया और चाय भी हमारे घर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो वो भी उठा ली अच्छा इसको घर में ड्रॉप करूँगी और उसके बाद फिर हम सफ़र पर रवाना होंगे तो बस इसको पे किया और उसको भी घर में ड्रॉप किया दूध को फ्रिज में रखा और फिर हम रवाना हुए इधर मैंने अपने बच्चों से थोड़ी सी वोटीज ले दी मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ और क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला और ये कोई दो तीन बजे का टाइम है तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी एनर्जी तो आ जाएगी शाम तक बस इधर फिर बेटे को कुछ आ, मैंने कहा इसका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए और इसके लिए गाड़ी निकाली यहाँ से और कोई आ, एट पाउंड का कि टेन पाउंड का पता नहीं कितने का ये एक घंटा था तो मैंने कहा चलो अब बेटे के लिए उठा लूँ निकालू ताकि इसकी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हो जाए तो और तंग भी ज़्यादा नहीं करेगा और बस इधर तो ट्रेफर सेंटर है ये और काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे और काफ़ी रश लगा था काफ़ी रौनक लगी थी आ, सारे मैनचेस्टर वाले मेरे ख्याल में इधर ही निकल आए थे तो काफ़ी रश था और ये है सारे ब्रांडेड इधर का प्लाजा है ये सब कुछ है इसमें तो बस एक बेटे को शूज़ भी चाहिए था तो वो उसने कहा कि चलो वो मैंने हस्बैंड ने कहा वो भी इधर देख लेते हैं तो इधर काफ़ी चीज़ें थी और काफ़ी कुछ था लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं देखूं और बेटे इधर उधर फिर रहे थे तो वो तो देख रहे थे बच्चे और मैं तो बस इधर अपने बेटे के साथ बाहर कड़ी थी इसको इधर उधर घुमा रही थी ताकि इसका मूड चेंज रहे तो वैसे काफ़ी लोग निकल आए थे काफ़ी रौनक थी और काफ़ी मज़ा आया अच्छा मैं इधर गाड़ी पे थोड़ी सी चुपके से बेटे से इधर आ गई लेकिन फिर भी उसको पता चला कि मैं अंदर गई हूँ तो फिर रोने लगा तो इधर गाड़ी गाड़ी पे भी काफ़ी अच्छे कुर्ते लगे थे काफ़ी अच्छे, अच्छे कपड़े थे लेकिन मैं मेरे पास तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थे इस ईद की शॉपिंग की थी लेकिन बस वैसे ही मैंने थोड़ी सी चक्कर लगा ली वैसे हम लोग जो एशियन हैं हम कपड़े दे के औरतें और हम जाए ना उस शॉप पे हो ही नहीं सकता तो बस फिर मैं इधर आ गई वैसे हम अक्सर ना मानचेस्टर ही आते हैं जितने फेस्टिवल्स हैं हमारे तो हम इधर ही सेलिब्रेट करने आते हैं और मैं कहती हूँ यकीन करें ना मानचेस्टर में जो अपने फेस्टिवल और अपनी चीज़ें इतनी जोश व खर्श से सेलिब्रेट होती है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ और इनकी ना इन लोगों ने जो रौनकें लगाई होती हैं ना तो मानचेस्टर के लोग बड़े ही जिंदा दिल लोग हैं और जो लोग मुझे मानचेस्टर से देख रहे तो उनको पता होगा कि मुझे नहीं लगता कि ब्रेडफर्ड और इस तरह की जगहों पे जितना यहाँ पे सेलिब्रेट होता है ना मुझे नहीं लगता कि कहीं और इस तरह सेलिब्रेट होता होगा या शायद होता हो मैं नहीं गई हूँ लेकिन जो ये विम्बलो रोड पे जो रौनकें लगती है ना ये जश्न आज़ादी की और ईद की तो लगती लगती है चाहे वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो वो तो लगती लगती है लेकिन ऐसे वैसे भी जो और है ना वो भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा रौनकें लगती है ना यहाँ पे तो बड़े जिंदा दिल लोग हैं मानचस्टर वाले वैसे तो जो जो मुझे देख रहे तो जो जो मानचेस्टर से है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है मुझे तो मानचेस्टर वाले बड़े ज़िंदा दिल लोग रखते हैं और मैं कहीं और जाती हूँ ना तो मुझे मैं कहती हूँ नहीं जो मज़ा मानचेस्टर में है वो वो उधर नहीं है अच्छा इधर थोड़ी सी कड़ी थी ये इन लोगों ने कोई शार्क वर्क बनाया है तो वो ऊपर पानी फेंक रहे थे बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे तो मैंने भी अपने बेटे के लिए इधर थोड़ी सी कड़ी हो गई ताकि वो देख के खुश हो जाए फिर बस अब मैं जाऊंगी काना खाने क्योंकि बस टाइम काफ़ी हो गया था और ये कार भी इनको वापस करानी है इनकी भी तकरीबन दो घंटे हो गए तो काफ़ी पैसे चढ़े हो गए अब तो बस इसको भी ड्रॉप करूंगी और वैसे दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी रौनक लगी थी ना सारे इतने ज़्यादा अपने लोग आए थे और अपने लोग अपने लोगों को देख के बस खुशी हो जाती है और एक अपनापन आ जाता है दिल में और वैसे भी अपने ईद पे उस तरह के मौके में एक दूसरे को देखे तो बड़ा मज़ा आता है बस उधर सब कुछ करके तो इधर आ गए खाना खाने तो बस इधर से खाना खाएंगे और फिर जाएंगे तो बस यही थी हमारी ईद वैसे ईद जो होती है वो मेरी नानी कहती थी कि ईद जो है वो जब अच्छी सेहत हो तो हर दिन ईद है तो हाँ बिल्कुल जब अच्छी सेहत हो तो हर दिन ईद है लेकिन बस वैसे ही हम अपने ईद को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने कहा बाहर जाते हैं और वैसे भी ये ऐसे इस तरह के मुल्क है कि अगर अपने आप को आप खुश ना करो ना तो कोई दूसरा नहीं आएगा आपको खुश रखने के लिए तो अपने खुशी के लिए आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है अपने बच्चों के लिए तो बस मैं भी बच्चे थोड़े से बोर बैठे थे तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं आ जाओ बाहर चलते हैं ताकि अगर हम तो माँ बाप है लेकिन अगर एक बीमार है तो दूसरा तो सफ़र करेंगे तो मैंने कहा ये क्यों सफ़र करें तो बस इनको निकाल uh, मैंने निकाला तो um... बस अच्छा है बच्चों ने भी इन्जॉय किया थोड़े से खुश हुए लेकिन अगर एक बीमार है तो बस फिर उसके साथ तो माँ बाप का जहन भी थोड़ा सा चेंज होता है तो उस तरह का मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी हमने अपने दिन को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की और इधर देखे फिर से बादल आ गए और इस दिन तो इतनी बारिश हो रही थी ना इतनी बारिश हो रही थी यकीन करें बिल्कुल भी बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था बहुत ही बुरा वेदर था बस इधर जा रहे हैं घर और वेदर चेक करें अभी भी इस तरह लग रहा है कि बस बारिश बस कुछ देर में फिर से स्टार्ट हो गई जाएगी और आज मैं वाइस ओवर कर रही हूँ तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है और ईद के दिन तो बहुत ही बुरा वेदर था तो बस दुआओं में याद रखें और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसके साथ दीजिएगा इजाज़त Alafiz. We'll next vlog Me.